राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बागी तेवर कांग्रेस का जहाज डुबो न दे, ये डर तो पार्टी के हर एक नेता को सता रहा है। खैर, आगे आने वाला वक्त बताएगा सचिन पायलट क्या फैसला लेंगे, कांग्रेस क्या फैसला लेगी। मगर इन दिनों गुलाबी नगरी जयपुर में सियासी पारे का रंग लाल हो गया है। 13 जुलाई को जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व कांग्रेस नेता राहत की सांस लेते नजर आ रहे हैं, लेकिन ट्विटर पर राजनीतिक घमासान दो दिन से ट्रेंड कर रहा है। सचिन पायलट, अशोक गहलोत, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिस तरह से इनके ट्वीट्स सामने आ रहे हैं, साफ पता चलता है कांग्रेस की परिस्थिति क्या है। और इन परिस्थितियों के बीच में सचिन पायलट की पत्नी सारा पायलट का बड़ा बयान सामने आ गया है। सारा पायलट ने ट्विटर के माध्यम से साफ कर दिया है अपना रुख, क्योंकि उनका अंदाज ही बदला हुआ है। हालांकि आपको बता दें, सारा पायलट नाम के जिस अकाउंट से ट्वीट किया गया है, ये अकाउंट सारा का आधिकारिक अकाउंट है या नहीं, SPN9 न्यूज़ इसकी पुष्टि नहीं करता। लेकिन इस अकाउंट से बैक टू बैक कुछ ऐसे ट्वीट्स किए जा रहे हैं जो राजस्थान के राजनीतिक घमासान में घी डालते हैं। सारा पायलट के नाम से बने ट्विटर हैंडल से 12 और 13 जुलाई को 6 ट्वीट किए गए हैं, और इन सभी ट्वीट्स के तार राजस्थान के राजनीतिक संकट से जुड़े हैं। सभी ट्वीट्स में सचिन पायलट के संघर्ष को बताया गया है। वर्तमान स्थिति को पुरानी तस्वीरों और वीडियोस के जरिए बयां करने की कोशिश की गई है। राजस्थान की राजनीति में भूचाल आने से पहले सारा पायलट के इस अकाउंट से सभी ट्वीट सामान्य हैं, लेकिन 12-13 जुलाई को जो ट्वीट्स किए गए हैं वो हम आपको बताते हैं। सारा पायलट के नाम से बने इस ट्विटर अकाउंट में 4 साल पुरानी तस्वीरों को शेयर किया गया है, कुछ वीडियोस को शेयर किया गया है। लिखती है सारा पायलट, सहन करने की हिम्मत रखता हूँ, तबाह करने का हौसला भी। जो तस्वीरें सारा पायलट ने शेयर की हैं, किसी में सचिन पायलट के माथे पर चोट लगी है, किसी में उनके हाथ पर चोट लगी है, किसी तस्वीर में कोई सचिन पायलट का गिरेबान पकड़ रहा है, एक तस्वीर में वो बारिश में प्रदर्शन कर रहे हैं, किसी तस्वीर में सारा पायलट सचिन पायलट की तारीफों के पुल बांधने का प्रयास करती हैं, तो वहीं एक वीडियो शेयर करती हैं जिसके साथ लिखा है, 6 साल गांव डारनी की सड़कों पर चढ़ने वालों के पैरों में छाले पड़ गए, संघर्ष भरे जीवन पर पानी फेरकर जयचंद सत्ता हथियाने में लग गए। इसी दिन के एक अन्य ट्वीट में सचिन पायलट की अभिवादन करते हुए तस्वीर शेयर करते हुए सारा की ओर से लिखा गया है, बड़े बड़े जादूगरों के पसीने छूट जाते हैं जब हम दिल्ली का रुख करते हैं। जादूगर से इशारा अशोक गहलोत की तरफ। ट्वीट्स आप इस वक्त हमारी रिपोर्ट में देख रहे हैं। राजस्थान की परिस्थितियां इन ट्वीट से साफ होती हुई मालूम पड़ती हैं। SPN9 न्यूज़ रूम से मेघा की रिपोर्ट।